आज मैं अपने किचन में करने वाली हूँ एक बहुत बड़ा काम जिससे बहुत सारे लोगों को फायदा होने वाला है। ट्राइड एंड टेस्टेड है, मैंने 6 महीने इसे किया था और अब मैं इस पे वीडियो बना के शेयर कर रही हूँ। मुझे बहुत फायदा मिला है। मेरे हाथों में देख रहे हैं आप बोरिक एसिड, ये वही बोरिक एसिड का पाउडर है जिसको हम लोग कैरम बोर्ड पे डालकर गोड़ियाँ पिलाया करते हैं। आज इस बोरिक एसिड के पाउडर से हम लोग भगाने वाले हैं कॉकरोच। किस तरह से मैं इसे इस्तेमाल करती हूँ, कैसे अपने किचन से कॉकरोच को मैंने निस्त नाबूद कर दिया है, वो आप जान पाएंगे इस वीडियो में। मैंने 3 चम्मच आटा ले लिया है, सूखा आटा। उसमें मैंने 3 चम्मच बोरिक एसिड का पाउडर मिलाया है, 1 चम्मच चीनी का, आप 1 से 1.5 चम्मच भी कर सकते हो। थोड़ा सा तेल डाल दें, कोई भी सरसों का तेल, रिफाइंड, नारियल, कोई भी हो आपके पास। उसके बाद उसको अच्छे से गूंद लेना है और गूंद कर छोटी छोटी गोलियाँ बना लेना है। बोरिक एसिड कॉकरोचों को बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट करते हैं। बोरिक एसिड से डाली हुई चीज़ अगर कॉकरोच खा ले, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा कोलैप्स हो जाता है। उनके विंग्स, उनके एंटीना में अगर ये बोरिक एसिड का पाउडर लग जाता है और दूसरे कॉकरोचेस उसके इन्फेक्ट में आ जाते हैं तो वो भी बीमार पड़ के ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो बहुत अच्छा और बहुत सही उपाय है बोरिक एसिड। ऐसे कुछ हम लोगों को हार्म नहीं करता है, ऐसे नहीं, हम लोगों को कुछ नहीं जब तक हम लोग इसे यूज़ कर रहे हैं। बस ध्यान रखें कि आप ग्लव्स पहन लें, मैंने तो नहीं पहना है पर मुझे कुछ हुआ नहीं इससे, पर ग्लव्स ज़रूर पहन लीजिएगा इसे यूज़ करने से पहले। और आपको ये गोलियाँ उन जगहों पर लगाना है जहाँ पर आपको ऐसा फील हो कि कॉकरोचेस वहाँ पर आते हैं। किचन, बाथरूम, घर, कहीं पर भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल भी मैसी नहीं लगता है, बिल्कुल भी गंदा नहीं लगता, कोई भी स्मेल नहीं आती इससे। बस ये जाकर जहाँ पर भी लगाइएगा सूख जाएंगे। और अगर ये चीज़ 5 साल 10 साल तक आपके किचन में लगी हुई है ना, कॉकरोच नहीं आने वाले हैं। मैं 6 महीने से इसे ट्राई किया है, 6 महीने हो गया है, कॉकरोच बिल्कुल भी किचन में नहीं आते, बिल्कुल भी नहीं आते। मुझे बहुत पसंद आया, आज आप लोगों को वीडियो बनाकर बता रही हूँ। आपको भी अच्छा लगा तो ज़रूर इसको ट्राई करें और मेरी वीडियोस को ज़रूर लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतना इन्फॉर्मेशन आपको कौन देने वाला है।